विराट कोहली। सबसे पहले भाई तालियां मारो और सल्यूट करो साथ में जो भी वीडियो देख रहा है, बिकॉज द किंग विराट कोहली ने टेस्ट में कंप्लीट कर लिए हैं 9000 रन बनाने वाले बन गए चौथे भारतीय खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद अब नाम आता है विराट कोहली का। That's why he is the king, he is a goat. चलो भैया, कमबैक तो हुआ है हमारा, थोड़ा मोड़ा हुआ हो बट हुआ तो है। 350+ की लीड थी न्यूजीलैंड के पास। टीम साउथी रचिन रविंद्र 100+ की पार्टनरशिप कर रहे हैं ब्रो, ऐसा लगा 250 के अंदर लीड सिमट जाएगा। ये टीम साउथी आता है छक्के मारे जा रहा है भाई, रचिन रविंद्र शतक मार दे रहे हैं, व्हाट द हेल लगा भाई। हम कह रहे थे पहला दिन न्यूजीलैंड ले गया, ये तो दूसरा दिन भी लेके जा रहे हैं, पहला चारों सत्र न्यूजीलैंड उड़ा के ले गया। बट फिर आती है हमारी बॉलिंग, विकेट लेती है एंड देन कम्स इंडियन बैटिंग। रोहित भाई ने जलवा दिखाया, अर्धशतक लगाया, फिर वही बैड लक ब्रो, अच्छा खासा डिफेंस, बस बैट का एंगल ऐसे था, यहाँ बॉल लगता है पीछे की तरफ जाता है विकेट पे, बैट के बीच से लग के बॉल विकेट में जा रहा है ब्रो, बट उसके बाद होती है गजब की साझेदारी। गजब मींस लिटरली गजब की साझेदारी, विराट कोहली और सरफराज खान। विराट कोहली ने अपने 9000 रन भी पूरे कर लिए जैसा हमने बताया, और सरफराज खान व्हाट अ प्लेयर यार, विराट भाई के ऊपर से प्रेशर रिलीज किया है। ये बंदा लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, इसमें 70 पे नॉट आउट है, और ऐसा लग रहा है स्पिन, भैया स्पिन तो हलवा है इनके लिए, बॉल यहाँ से यहाँ भी आता है स्पिनों के, हल्का सा बस बैकफुट से डिफेंस करते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे जो ट्रेडिशनल बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, रोहित भाई, विराट भाई या कोई भी हो, सबको लगता है हाँ स्पिन खेलने में दिक्कत है, इनको नहीं लगता देख के, ये बहुत इजीली स्पिन खेले, स्लो स्वीप, स्वीप कवर ड्राइव कट शॉट सारे शॉट हैं इनके पास। और नाउ कम टू द लेजेंड विराट कोहली, आज अलग विराट कोहली था ये तो कहना पड़ेगा। विराट कोहली टेस्ट मैच में निकल के सीधा छक्का मार रहे स्पिनर को, उसकी अगली बॉल स्वीप कर रहे हैं, ये नहीं देखा था, ये एक्सपेक्टेड ना फैंस को था, ना वहाँ के क्राउड को था, ना इंडियन टीम को था, ना न्यूजीलैंड की टीम को था, ये सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते ऐसे अलग सोच के। बट फिर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, हम कितने खुश थे, बट आखिरी बॉल तुम्हें क्या दिक्कत था ब्रो, विराट भाई को ले गया यार, इतना अच्छा दिख रहे थे विराट भाई, एज लग गया ब्रो, ये इन DRS भैया मारो इनको मारो। रचिन रविंद्र के टाइम पे इनके पास बोला एंगल था ही नहीं, वो बैट के पीछे जाके एज का साउंड आ रहा है, यहाँ पे ठीक आ गया बैट के टाइम पे, सालो DRS फोन चला के मार दूंगा मैं अब। बट गुड न्यूज ये है, ऋषभ पंत फिट दिख रहे थे और रेडी थे बैटिंग में आने के लिए, मतलब कल वो बैटिंग करेंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। अब कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल भारत को पूरे दिन बैटिंग करना होगा, ये बात पक्का है, अगर हम 2 सेशन बैटिंग करते हैं वी आर गॉन, नहीं जीत सकते हम मैच। अगर हमें इस मैच को जीतना है तो कल पूरे दिन बैटिंग करना होगा, और वो कैसा हो सके तो परसों भी, 5वें दिन भी पहला 1 घंटा हम बैटिंग कर ले तो फिर ये मैच हमारे कब्जे में है, बिकॉज अभी भी इंडिया 125 रन से पीछे है, हम 231 बना चुके हैं बट अभी भी 125 से पीछे है, बिकॉज पहले इनिंग में मात्र 46 बनाया और न्यूजीलैंड 402। बट स्टिल यहाँ इंडियन टीम है, इसी वजह से हमें उम्मीद भी है, होप्स भी है कि हम कमबैक कर सकते हैं, बिकॉज इंडियन टीम ये काम कर चुकी है, जहाँ सबको लगता है दिस कांट बी हैपन, वहाँ कहती है भाई यही काम तो करना है, चाहे वो कानपुर का टेस्ट हो, चाहे वो MCG हो, चाहे वो कोई भी मैच हो भाई, जहाँ सबको लगता है ये नहीं होगा वह वो चीज़ करना है। और अगर यहाँ से मैच जीतते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक टेस्ट मैच, ये हिस्ट्री बुक्स में लिखाएगा कि एक टीम 46 ऑल आउट होकर टेस्ट मैच जीत गई। बट उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत, अभी ऋषभ पंत, KL राहुल, जडेजा, अश्विन सब को रन्स बनाने होंगे। चलो विराट भाई का विकेट गया, अपना सेंचुरी मिस किया, ठीक है भाई हो सकता है अच्छी इनिंग, बट अगर विकेट ऐसी 100-100 रन के पार्टनरशिप के बाद गिरती है तब भारत अच्छे पोजीशन में दिखेगा, बट अगर कहीं 1-2-3 विकेट साथ में गिर गया फिर इंडिया फंस जाएगा, जो चीज़ नहीं देखना है किसी को भी। चलो ये तो हो गई मैच की बात, क्राउड की बात कैसे ना करें, आज का क्राउड गजब था भाई, आज फर्स्ट टाइम मैंने ईयरफोन्स लगा के मैच देखा भाई, ईयरबड्स, और क्या वाइब आ रहा था भाई,
वो हर एक डिफेंस में विराट कोहली जो शोर रहा था, ये विराट कोहली आरसीबी के नारे लग रहे थे मैच में, इंडियन टीम के नारे लग रहे हैं, सरफराज भाई के नारे लग रहे हैं, सिराज भाई के लिए डीएसपी के नारे लग रहे हैं। क्राउड वॉज ओपी यार, गजब लेवल का क्राउड था, स्टेडियम भी फुल था, जो हमने कानपुर में भी देखा है यहाँ भी देखा है। अच्छा लगता है अगर स्टेडियम फुल हो, मैच देखने में और मजा आता है। कल का दिन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट दिन, कल का दिन इस टेस्ट मैच का मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन होगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, होपफुली ऐसी फेस में कल स्माइल के साथ आए, देखते क्या होता भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।